हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू मोर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ ओरेडो मनी में आप कैसे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरेडो मनी का अकाउंट है तो वीडियो में बने रहे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके लिए ओरेडो मनी के जो SSM मशीन होता है, सेल्फ सर्विस मशीन। ये आपके बहुत ही नियरेस्ट जगह पर मिल जाएंगे, लुलू, हाइपर मार्केट वगैरह और बहुत सारे जगहों पर शॉप पर भी लगाए होते हैं। तो हम चलते हैं ओरेडो के शॉप में जहाँ पे ये SSM मशीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे चलकर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं। आपको स्क्रीन में ऐसे शो कर रहा होगा वेलकम टू ओरेडो। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी एक इंटर वाला बटन दबा लेना है। इंटर वाला बटन दबाने के बाद आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लेना। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या करना चाहते हैं। तो हम मोबाइल मनी हम यूज करना चाहते हैं, तो हम मोबाइल मनी को पहले टच कर लेंगे। उसके बाद आपसे बोलेगा कि आप इतना पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, तो हम यस कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद मोबाइल मनी के लिए हमें क्या करना है, तो डिपॉजिट करना है मोबाइल मनी में, पैसा डिपॉजिट करना है। तो मोबाइल मनी हम डिपॉजिट में टच कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना कतर आईडी नंबर डालना होगा। कतर आईडी चाहे आपके पास एक्सपायर हो या वैलिड हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने अकाउंट बना लिया है एक बार, तो आप उस कतर आईडी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कतर आईडी नंबर आप डाल लेंगे, चाहे वैलिड या एक्सपायर कतर आईडी अपना डालना जरूरी है। और सेम कतर आईडी का मोबाइल नंबर जो अकाउंट बनाने के टाइम में आपने डाला है, वही मोबाइल नंबर भी डालना होता है। यहाँ पे कतर आईडी डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर बोलेगा डालने के लिए, तो हम अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद फिर इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपके अकाउंट में इतना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम इसको ओके कर देंगे, हाँ हम एग्री है, प्रोसीड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पैसा डिपॉजिट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे वो खुल जाएगा वो उसका शक्ल। यहाँ पे आप अपना पैसा रख देंगे, पैसा रखने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये काउंटिंग के लिए चला जाएगा पैसा। यहाँ पे काउंटिंग करके कुछ टाइम में आपको शो कर देगा कि आपने कौन कौन से नोट कितने डाले और कितना रुपए है टोटल, आपको अमाउंट यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देगा। यहाँ पे आप देखें अभी आने वाला है स्क्रीन पे, ये जो भी आपके अमाउंट है यहाँ पे शो कर दिया। ये जितना भी अमाउंट था आपने ओके कर लेना है। इसके बाद अगर आपका अमाउंट ओके है, तो फिर उसके बाद आपको एक स्लिप निकल करके आ जाएगा कि हाँ आपने इतना अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो ये स्लिप आपको रिसीव हो जाएगा। स्लिप में आपको बस इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आपके अकाउंट नंबर पे इतना डिपॉजिट हो गया है। तो ऐसे ही आप कभी भी अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए